एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव रुस्तमपुर बड़मार पड़ा। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 12 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान सुधीरिति हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 1300 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा की जाए तो गाँव के प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 100 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी हैं। वहीं बात अगर पेयजल आपूर्ति तथा विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव के प्रधान द्वारा गांव में 32 हैंडपंप नए वे हैंडपंप रिवोर कराए गए हैं। साथ ही साथ 100 बिजली के पोल, 4 ट्रांसफार्मर व 15-16 लाइटें लगवाई गई हैं। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा 3 सीसी टाइल्स रोड, 1 सीसी रोड, शौचालय, खडंजे का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ गाँव में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए 20 कूड़ेदान भी लगवाए गए हैं। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में खेल का मैदान, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क व पुलिया के निर्माण की राज्य व केंद्र सरकार से मांग की है। ग्राम रुस्तमपुर बड़मार ब्लॉक मुंडा पांडे, मैं हिमांतु चौहान प्रधान प्रतिनिधि। मैं गांव की समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में चकबंदी जो है गत कई वर्षों से नहीं हुई है। पिछली बार आदेश हुए चकबंदी की, भूमाफियाओं ने मिलकर अधिकारियों से साठगांठ करके निचले स्तर पर चकबंदी को रोकने का काम किया ताकि गरीब किसानों को उनका लाभ न मिल सके और उनका हक मारा जा सके। अब की बार भी हमने फाइल आगे बढ़वाने की कोशिश करी है, देखिए क्या होता है, कितनी मदद हो पाती है इसमें। और हम ये चाहते हैं हमारे गांव में खेल मैदान का निर्माण हो पाए जिसलिए युवाओं को लाभ मिल सके और गाँव का नाम आगे रोशन हो सके। और हमारे गाँव में करूले की पुलिया बन रही है पीछे की तरफ, उसमें बरसात के मौसम में पानी आ जाता है, नीचे उन्हें पीतल नगरी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है जिससे कि भारी परेशानी का सामना होता है। लोग उधर के लोग इस तरफ नहीं आ सकते, इधर के लोग उधर नहीं आ सकते। हम चाहते हैं सरकार इस पुलिया का निर्माण कराए, सुदृढ़ीकरण कराए और बड़ी पुलिया इसका निर्माण कराएगा इसकी तरफ से। और गांव में विकास कार्य तो हो ही रहे हैं, सरकार है मोदी जी की सरकार, ये काम कर रही है। शौचालय की तरफ काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है कि गाँव में कोई भी व्यक्ति बाहर शौच करने ना जाए ताकि प्रदूषण गाँव में ना फैले। पानी की निकासी की व्यवस्था करूले के माध्यम से हो जाती है लगभग हमारे यहाँ से, पर हम ये चाहते हैं चकबंदी प्रमुखता से करवाई जाए। ग्राम पंचायत में पंचायत घर का निर्माण कराया जाए, ये थोड़ा सुविधा होती है। सरकारी स्कूलों को हमें विभिन्न स्थानों पर नलों की बहुत आवश्यकता है ताकि लोगों को लाभ मिल सके और शुद्ध पानी उन्हें उपलब्ध हो सके। पानी ऊंचाई पर होने के कारण लोग 10-20 फुट 25 फुट पर पानी का बोर करा लेते हैं, उससे पानी शुद्ध नहीं मिल पाता। सरकारी हैंडपंपों से पानी शुद्ध मिलता है। हम मांग करते हैं कि करीब 20 हैंडपंप हमें उपलब्ध कराए जाएं ताकि हम जनता को उसका लाभ दे सकें। ये प्राथमिक विद्यालय मिलक रुस्तमपुर बड़मार, जो कि काफ़ी प्राचीन विद्यालय है, यहाँ से बसपा सपा के काफ़ी नेता भी यहाँ पर पढ़ के निकले हैं, लेकिन वर्तमान में ये जर्जर अवस्था में यहाँ पर है। सारे यहाँ फर्श में बहुत बहुत बड़े गड्ढे जिनमें से सांप, नेवले ये निकलते हैं, जिसकी वजह से हम बच्चों को अंदर भी नहीं बिठा पाते। तो मेरे यही यहाँ के प्रशासन से और प्रधान जी से सबसे निवेदन यही है कि यहाँ हमारे ये फर्श पड़ जाएं और थोड़ा सी व्यवस्था सही हो जाए तो हमें काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। और खिड़की दरवाजे काफ़ी जर्जर हैं जिसकी वजह से इनको हम खोल नहीं पाते, खुल जाते हैं तो फिर इसमें गाँव के या फिर बाद में स्कूल टाइम के बाद में बच्चे आके इसमें गंदगी करते हैं, इसलिए से ये खिड़की इसकी बंद रहती है। अगर इन्हें खोल देते हैं तो ये सारी टूटी हुई हैं, बड़ी मुश्किल से इनको संभाल के लगा रखा है। तो निवेदन यही है कि अगर आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अगर ये बात जाए तो ये जाए कि भाई विद्यालय की स्थिति में सुधार होना चाहिए।